हेलो एवरीवन वेलकम आज के क्लास में हम लोग हमारे यूनिट नंबर सेवन जिसमें हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अब तक हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है दोनों ही कॉन्सेप्ट के मीनिंग के साथ साथ उनके कंपोनेंट्स और दोनों के कर्व को भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट तरीके से डिस्कस करके देख लिया है आज के क्लास में उसके आगे के टॉपिक को हम शुरू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन आज हम बात करेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन से हम क्या समझते हैं या समझेंगे और जब हम बात करेंगे कंज़म्पशन फंक्शन की तो आप ये बात जान ले कि कंजम्पशन फंक्शन को ही हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के नाम से जानते हैं कंजम्पशन फंक्शन इज आल्सो नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यह हमारा अगला टॉपिक है अब कंजम्पशन फंक्शन देखो फंक्शन टर्म जो है दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट अस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए ठीक है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है इनकम का वो हिस्सा पोर्शन ऑफ इनकम इनकम का वो हिस्सा जिसको हम कंज़म्पशन पर खर्च कर देते हैं मतलब कहने का है कि गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम परचेज करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो उसमें हम जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं अपने दिए हुए लेवल ऑफ इनकम से उसी को हम कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं तो अगर हम कंज़म्पशन फंक्शन की बात करें तो फंक्शन का मतलब तो हमको पता है फंक्शन का मतलब तो होता है फंक्शनल रिलेशनशिप अब कंजम्पशन का मतलब हम लोगों ने जान लिया कि इनकम का वो हिस्सा जिसको हम कहाँ खर्च कर रहे हैं कंजम्पशन पर खर्च कर रहे हैं तो जब हम कंजम्पशन और फंक्शन इन दोनों का मतलब अलग अलग जान चुके हैं तो अब अगर हम इन दोनों के मतलब को एक साथ जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन या फिर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इनकम और कंजम्पशन के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है हम उसे कंजम्पशन फंक्शन के नाम से जानते हैं इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख के दिखा सकते हैं जहाँ पे C इज इक्वल्स टू एफ़ इन टू वाई जहाँ पे C क्या है कंज़म्पशन है F क्या है फंक्शनल रिलेशनशिप है और Y क्या है तो इनकम को दिखा रहा है यानी कि कंज़म्पशन और इनकम के बीच फंक्शनल रिलेशनशिप विच मीन्स कि ये क्या है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन कंज़म्पशन फंक्शन एक्चुअली क्या दिखाता है तो कंज़म्पशन फंक्शन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कंज़म्पशन फंक्शन किन किन चीजों को शो करता है या ये क्या रिप्रेजेंट करता है ठीक है इसका मीनिंग तो हमने जान लिया बट कंज़म्पशन फंक्शन जो होता है वो विलिंगनेस ऑफ हाउस को बतलाता है अब बात कर रहे हैं विलिंगनेस की और हाउस की तो हाउस के किस तरह के विलिंगनेस को ये दिखाता है तो कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट करता है विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड एक दिए हुए समय में जितने भी हाउस हैं उनके द्वारा एक निश्चित कीमत पर अपने इनकम की मदद से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को वो परचेज करना चाहते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है कंज़म्पशन फंक्शन कंज़म्पशन फंक्शन जो होता है ये कंज़म्पशन लेवल को दिखाता है एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकॉनमी ये कंज़म्पशन लेवल को इंडिकेट करता है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकॉनमी इकॉनॉमी में जो अलग अलग लेवल है इनकम के उस अलग अलग लेवल पर जो कन्जम्पन किया जा रहा है उसको भी कन्जम्पन फंक्शन जो है वो इंडिकेट करता है कन्जम्पन फंक्शन जो है ये एक तरह का साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है जो कि इंफ्लुएंसड होता है सब्जेक्टिव फैक्टर्स uh, से और जैसे कि इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो कि इन्फ्लुएंस्ड होता है बहुत सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स से और सब्जेक्टिव फैक्टर्स से मेरा मतलब है जैसे कंज्यूमर का टेस्ट सब्जेक्टिव फैक्टर्स लाइक टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स तो इस तरह की चीज़ों से कन्जम्पन फंक्शन काफ़ी अफेक्टेड होता है और चूंकि एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है मेरा कन्ज़म्पन ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति के कंजम्प्शन पैटर्न के साथ बिल्कुल मेल खाए अलग अलग हो सकता है क्योंकि मेरा कन्जम्पन मेरे टेस्ट मेरे प्रेफरेंसेज मेरे चॉइसज पर डिपेंड करेगा ठीक उसी तरह से आपका जो कन्ज़म्पन है वो आपके टेस्ट प्रेफरेंस चॉइस पर डिपेंड करेगा और हमारा टेस्ट प्रेफरेंस चॉइसेस एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं सो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट विच इज विच आर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्टिव फैक्टर्स लाइक कंज्यूमर्स इनकम सॉरी कंज्यूमर्स प्रेफरेंस कंज्यूमर्स टेस्ट कंज्यूमर्स हैबिट्स चॉइसेस एक्सेट्रा इसी के साथ आपका जो कंजम्पशन फंक्शन का मीनिंग है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये मैं आपको बस मीनिंग बता रही थी या इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी अब हम बात करते हैं कंजम्पशन फंक्शन के एक्सप्लेनेशन पे और एक्सप्लेन करने के लिए अगेन हम अपना टेबल और डायग्राम वाला काम शुरू करेंगे जहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे एक डायग्राम बनाते हुए कंजम्पशन फंक्शन को शेड्यूल के फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में देखेंगे एक तरफ हम ले लेंगे इनकम और दूसरी तरफ हम लेंगे कंजम्पशन इनकम इनिशियली जीरो कंजम्पशन प्रेजेंट एट फोर्टी सपोज और ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट क्लासेस में जहां पे हमने देखा हुआ है कि इनकम जो है वो जीरो भी होता है तब भी कंजम्पशन जो है वो हमारा प्रेजेंट होता है जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन के नाम से जानते हैं तो यहाँ पे हमारा इनकम जो है वो ज़ीरो है और कंजम्पशन हमारा प्रेजेंट है पॉजिटिव है और वो हमने 40 करोड़ पर अज्यूम कर लिया है क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यूज़ जो हैं वो करोड़ में ले रहे हैं उसके बाद क्या हो रहा है कि आपका इनकम जो है सपोज़ वो बढ़ रहा है हंड्रेड से ज़ीरो से बढ़ के हंड्रेड कन्जम्पन भी बढ़ेगा फोर्टी से वन ट्वेंटी फिर इनकम बढ़ा टू हंड्रेड भी बढ़ेगा टू हंड्रेड फिर से इनकम बढ़ेगा थ्री हंड्रेड भी बढ़ेगा टू एट्टी अगेन इनकम बढ़ा फोर हंड्रेड भी बढ़ गया थ्री सिक्सटी इनकम फिर से बढ़ा फाइव हंड्रेड फिर से बढ़ गया फोर फोर्टी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इनकम बढ़ रहा है कंज़म्पशन भी बढ़ रहा है और जैसे जैसे इनकम बढ़ता जा रहा है हमारा कंज़म्पशन भी बढ़ता जा रहा है और तो और इनिशियली uh, जब इनकम ज़ीरो है कंज़म्पशन पॉजिटिव है और जब इनकम बढ़ करके के सौ हो गया कंज़म्पशन बढ़ के एक सौ बीस हो गया इनकम सौ से दो सौ हो गया कंजम्पशन भी बढ़ के एक सौ बीस से दो सौ हो गया फिर इनकम दो सौ से तीन सौ हो गया कंजम्पशन भी 200 से बढ़कर के 280 हो गया इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि कंजम्पशन हमारा बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे इनकम हमारा बढ़ रहा है अब जब हम इसी वैल्यूज़ के बेसिस पे कंजम्पशन का कर्व ड्रॉ करेंगे तब हम देखते हैं कि किस तरह का शेप होगा हमारे कंजम्पशन कर्व का और जो भी शेप होगा वो इंडिकेट क्या करेगा यहाँ पे एक्स एक्सेस पे हम ले लेंगे इनकम जिसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं और एक्स एक्सेस पर हम वाई एक्सेस पर हम ले लेंगे कंजम्पशन जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे हम इनकम का जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है इनकम जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है और एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड राइजिंग होता है और ओरिजिन uh, से स्टार्ट होते हुए वो एंगल बनाता है कितने का 45 फाइव डिग्री का कंजम्पशन का कर्व भी हमने ड्रॉ किया था और ये आप प्रॉपर ड्रॉ करेंगे भी कर भी सकते हैं तो जब आप कंज़म्पशन का कर्व ड्रॉ करोगे तो वो आपका स्टार्ट होता है फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड अपवर्ड राइजिंग जाता है बिकॉज कंजम्पशन इंडिकेट कर रहा है कंजम्पशन का कर्व अपवर्ड राइजिंग है वो इंडिकेट कर रहा है कि कंजम्पशन हमारा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा और वाई एक्सिस से शुरू होने का मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कंजम्पशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा भले इनकम ज़ीरो है तब भी अब इस फिगर में हमें कुछ कुछ बातें पता लग रही हैं क्या क्या बातें पता लग रही हैं तो सबसे पहली बात कि कंजम्पशन का कर्व वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है और जीरो लेवल ऑफ इनकम पे यहां पे जो ओ सी है जो एरिया ओ सी है ये सी बार को दिखाता है वॉट इज सी बार तो सी बार यहां पे इंडिकेट करता है ऑटोनोमस कंजम्पशन को ये ऑटोनोमस कंजम्पशन को दिखाता है उसके बाद जब कंजम्पशन आपके इनकम कर्व ये डॉटेड को इनकम कर मान लेते हैं तो जो इनकम का लाइन है इस लाइन से कंजम्पशन का लाइन ऊपर है तो ये जो गैप हमें दिखाई दे रहा है दिस गैप इंडिकेट्स डिस सेविंग इस गैप को हम डिस सेविंग के नाम से जानेंगे जहाँ पे इनकम जो है वो कंजम्पशन से कम है या इसको बोलेंगे कि जहाँ पे डिस सेविंग वहाँ होगा जहाँ पे कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है ठीक है तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये डिस सेविंग को दिखाता है फिर एक पॉइंट पे हम पहुँच रहे हैं जहाँ पे इसको नाम दे देते हैं पॉइंट ई e, और इस पॉइंट पे हम देख पा रहे हैं कि कंज़म्पशन का लाइन इनकम के लाइन को कट कर रहा है मतलब पॉइंट ई e पे कंज़म्पशन इनकम के बराबर है जहाँ पे कंज़म्पशन इनकम के बराबर होता है उस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं जिस पॉइंट पे कंजम्पशन इनकम के बराबर उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं फिर आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट जैसे जैसे इनकम बढ़ता है कंजम्पशन भी बढ़ता है लेकिन अब क्या हो रहा है कि कंजम्पशन का लाइन इनकम के लाइन के नीचे है तो अब जो गैप बन रहा है दोनों कर्व के बीच में ये एरिया सेविंग्स को दिखा रहा है सेविंग्स का मतलब है कि इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन से इनकम अगर कंजम्पशन से ज़्यादा है तो रेस्ट जो पोर्शन है वो क्या हो रहा है सेव हो रहा है इसका जस्ट उल्टा इनकम कंज़म्पशन से कम है तो जो हिस्सा है वो डिससेविंग को दिखाता है इस तरह से आप देख पा रहे हो दो गैप आपको दिख रहे हैं इनकम और कंज़म्पशन कर्व के बीच में और ये दोनों गैप आपको एक बार सेविंग और एक बार डिस सेविंग की तरफ इंडिकेट करते हैं डिस सेविंग तब होगा जब इनकम कंज़म्पशन से कम होगा और सेविंग तब होगा जब इनकम कंज़म्पशन से ज़्यादा होगा और इस तरह से हम कंजम्पशन फंक्शन को ग्राफिकली देख पाते हैं यहाँ पे आपको बिल्कुल वही सारी बातें हैं जो जो बातें मैंने अभी आपको बताई अबाउट दिस ग्राफ वही सारे पॉइंट्स को आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक्सप्लेन करते हुए कंज़म्पशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट को फिनिश कर सकते हैं यहाँ पे हमारा कंज़म्पशन फंक्शन का जो मीनिंग है वो देखो कम्प्लीटली फुल uh, तरीके से कंप्लीट हो जाता है अब हमको क्या जानना है कि कंजम्पशन फंक्शन के कितने टाइप होते हैं मेन कितने टाइप हैं कंजम्पशन फंक्शन के या फिर इस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के टाइप हमें जानने हैं। जब हम टाइप की बात करेंगे तो इसमें हमें दो टाइप जानने हैं पहला टाइप है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसको हम शॉर्ट में ए पी सी भी कहेंगे और सेकेंड जो टाइप है वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसे हम शॉर्ट में एम के नाम से भी जानेंगे तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन दोनों ही टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का हम लोगों को डिस्कस कर लेना है मीनिंग इन दोनों का क्या मतलब है इन दोनों को हम लोग एक एक एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस करेंगे और फिर इन दोनों ही टाइप जो है प्रोपेंसिटी के इन दोनों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एपीसी एंड एम पी सी तो हमारा अगला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जिसमें एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा जिसमें हम बात करेंगे मीनिंग के बारे में उनके एग्जाम्पल्स से और उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ए एंड एम तो ये वाला टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे आज के क्लास को हम कंजम्पशन फंक्शन के मीनिंग के साथ साथ उसके इक्वेशन उसके टैबुलर फॉर्म के साथ टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंटेशन के साथ फिनिश करते हैं थैंक यू